बेसा पिपला नगर पंचायत के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शनिवार को बेसा परिसर में आयोजित वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक टेकचंद सावरकर उपस्थित थे। इसके साथ ही कई नामचीन हस्तियों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। बेसा पिपला ग्राम पंचायत का नगर पंचायत में तब्दील होना और तेजी से विकास के पथ पर दौड़ना अपने आप में बड़ी बात है। बेसा पिपला नगर पंचायत के बारे में कुछ ऐसा ही हुआ है, आने वाले एक साल में इसका और तेजी से कायाकल्प होकर राज्य की पहली विकासशील नगर पंचायत साबित होने वाली है। सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले कुछ साल में बेसा पिपला को सभी रूप से परिपूर्ण करने का प्रयास रहेगा। उक्त विचार बेसा पिपला के नगर पंचायत के प्रशासक भारत नंदनवार द्वारा किए गए हैं। आज एक साल पूरा हो गया है नगर पंचायत बने हुए। एक साल में जो नगर पंचायत ने काम किए और जो आगे करने वाले हैं, तो एक साल के सेलिब्रेशन में हमने 3 दिन ये आयोजन किया है कार्यक्रम का। आज जो है केतकी माटेगावकर और अनिरुद्ध जोशी, इनका स्वरोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किए हैं, और कल एक धमाल कॉमेडी और संक्रांति क्वीन करके कार्यक्रम कल आयोजित किए हैं, और परसों के दिन महानाट्य हमने आयोजित किए स्वामी समर्थ इनका। और ये जो कार्यक्रम है ये सब बेसा पिपला नगरवासियों के लिए है। एक आनंद का वातावरण निर्माण हो इसलिए ये आयोजन किया गया है। और ये नगर पंचायत बने हुए एक साल जो हुए, एक साल में नगर पंचायत ग्राम पंचायत से जो नगर पंचायत बनी, हमने जो नगर पंचायत से काम किए उसके लिए सन्मान्य चंद्रशेखर जी बावनकुड़े साहब और सन्मान्य टेकचंद जी सावरकर साहब, इन्होंने यहाँ फंड्स जो निधि है शासन से हमें उपलब्ध करा के दी, और उससे जो आज की बदली हुई तस्वीर एक साल के बाद जो दिख रही है वो उनके सहकार्य से हमें दिख रहा है कि अभी बेसा पिपला जो है अभी बदल रहा है, गांव से शहर की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। क्या बताना चाहोगे ये खास मौके पर यहाँ के रहवासियों को, नागरिकों? यहाँ के नागरिकों को ऐसा ही बताना चाहूँगा कि जो सहकार्य आपने हमें एक साल में दिया है वही सहकार्य अगर बरकरार रखेंगे तो हमारी जो मनीषा है कि बेसा पिपला नगर पंचायत महाराष्ट्र में नंबर 1 नगर पंचायत बने, तो आपके सहकार्य से ही ये हो सकेगा। आप लोग अगर सहकार्य करेंगे तो हम निश्चित ही नंबर 1 बनेंगे, और सभी से ये आह्वान करता हूँ कि सभी एक साल में जैसा सहकार्य कर रहे थे उसी प्रकार का सहकार्य ये बनाए रखे और प्रेम बनाए रखे। इस उपलक्ष्य में बेसा नगर पंचायत की ओर से 20 से 22 तक 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें धमाल कॉमेडी, स्वामी समर्थ महानाट्य, हल्दी कुमकुम आदि का कार्यक्रम शामिल रहने वाला है। पहले दिन गायिका केतकी माटेगावकर व अनिरुद्ध जोशी द्वारा सुंदर गीतों की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान दोनों से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने, आइए डालते एक नजर। आज हम आए हैं बेसा पिपला नगर पंचायत के एक साल पूरे होने पर, जहाँ पे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है पद्मावती प्रोडक्शन की ओर से। और हमारे साथ आज उपस्थित है मराठी के सुप्रसिद्ध जो गायक है केतकी माटेगावकर और अनिरुद्ध जोशी। इनसे हम जानेंगे कि इन्हें भी यहाँ आज जो है इनके कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ये अपने सुमधुर वाणी से जो है यहाँ पे बेसा पिपला वासियों को जो है मंत्रमुग्ध करने वाले हैं। इनके गानों का कार्यक्रम यहाँ पे है, उनसे जानते हैं कि क्या बताना चाहोगे। नमस्ते, नागपुर के सभी वासियों को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बीइंग बोर्न इन नागपुर, बहुत खुशी है इस बात की कि बहुत एक अरसे बाद मैं बोलूँगी कि मैं नागपुर आ रही हूँ और यहाँ पे परफॉर्म कर रही हूँ, तो बहुत खुशी है इस बात की कि अपने लोगों के लिए परफॉर्म करने का एक मज़ा, एक खुशी कुछ अलग ही रहती है, तो वो एक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी बेसा पिपला का एक फर्स्ट इनॉग्यूरेशन है, फर्स्ट ईयर है, तो मैं
सभी मेंबर्स को जो हैं यहाँ पे और जिन्होंने ये पूरा आयोजन किया है उन सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि बहुत बड़ा दिन है और 3 दिन का ये पूरा आयोजन हो रहा है और एक म्यूजिकल नाइट है। एज अ सिंगर बहुत अच्छा लग रहा है कि जब नागपुर के जो लोग रहते हैं यहाँ पे, जो हमेशा मैं बचपन से देखती आई हूँ कि उनका एक जो मोटिवेशन करने का तरीका रहता है तालियों के इससे थ्रू, तो मैं ये कहूँगी कि अपने लोगों के लिए परफॉर्म करने की एक खुशी अलग है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शो। हमारे साथ अनिरुद्ध भी हैं, उनसे भी जानेंगे, वो भी नागपुर से ही जुड़े हुए हैं, नागपुर के ही हैं, उनसे जानेंगे कि क्या बताओगे नागपुर में और एक बार आपको गाने का मौका मिल रहा है, क्या बताओ? जी बिल्कुल, सबसे पहले बेसा पिपला नगर पंचायत का वर्धापन दिन है आज पहला, तो उनकी सारी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा अभी केतकी ने कहा कि बींग अ नागपुरियन, नागपुर में मैं पला बढ़ा हूँ, यहाँ से ही 2014 तक मैं नागपुर में ही था, तो इसलिए नागपुर से बहुत प्यार मिला है और हमेशा जब भी नागपुर आने का मौका मिलता है तो मैं कूद के आ जाता हूँ क्योंकि हमेशा नागपुर हमारे लोगों के सामने गाने का जो सुकून है, जो एक आनंद है, वो अलग ही है। तो आज भी वो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नागपुर के रसिकों का प्यार हमें मिलेगा और नागपुर में परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और हमें यहाँ पे आज बुलाया, इसके लिए मैं बिल्कुल बेसा पिपला नगर पंचायत की सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप नागपुर से हो, क्या मिस करते हो वहाँ रहकर, मुंबई में रहकर क्या मिस करते हो नागपुर का? नागपुर को ही मिस करते हैं, अभी क्या ही बोले नागपुर में जो है, सिर्फ लोग तो सिर्फ नागपुर का संतरा याद रखते हैं, हम तो नागपुर के लोग, नागपुर का एक जो माहौल है वो बहुत बढ़िया है और यहाँ पे भी इतने बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट है। आपको ऐसे लगता होगा कि मुंबई में मुंबई के आर्टिस्ट है बट आधे लोग नागपुर से ही गए मुंबई में, तो इतना टैलेंट है नागपुर में, तो हम खुद भी नागपुर से हैं सब लोग, तो इस बात की खुशी है कि इतना सारा टैलेंट नागपुर से जा रहा है और इंडस्ट्री में बहुत सक्सेसफुली काम कर रहा है। अभी मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये पूरा मतलब आज जो म्यूजिशंस हैं हमारे वो भी सब नागपुर के ही हैं और काफ़ी सालों से उनके साथ परफॉर्म करती आई हूँ, तो उनके साथ परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है और ये पूरा जो इसका आयोजन किया है उसमें एक महत्वपूर्ण नाम मैं जो लेना चाहूँगी, इसका पूरा म्यूजिकल जो कोऑर्डिनेशन किया आनंद मास्टर जी ने किया है और बहुत ही हिमसेल्फ इज़ अ वंडरफुल म्यूजिशियन, तो उनको उनके बारे में अगर बात करें, ऐसे सारे म्यूजिशियंस हैं जो बहुत टैलेंटेड है, तो अच्छा लग रहा है। बस वही मिस करते हैं मुंबई में कि अपने लोग हैं तो अपने लोगों में आके अपने लोगों के साथ परफॉर्म करने का मज़ा अलग है। जी नागपुर में सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ नागपुर का खाना क्योंकि फिर वो चाहे तर्री पोहा रहे चाहे नागपुर का अलग अलग खाना, लेकिन मैं बहुत मिस करता हूँ चाट रहे नागपुर का, तो वो पहले जाके मैं खाता हूँ। इनफैक्ट एयरपोर्ट से पहले मैं जाके समोसा या फिर तर्री पोहे खा के फिर घर जाता हूँ, ऐसा भी बहुत बार किया है मैंने, तो नागपुर के लोगों को बहुत मिस करता हूँ, लेकिन मैं नागपुर आते रहता हूँ तो नागपुर के सामने गाने का मौका हमेशा मिलता रहता है, तो बिल्कुल। और इस आज के प्रोग्राम को पद्मावती इवेंट्स के श्री कुमार जी ने भी कोऑर्डिनेट किया है, मैनेज किया है, तो उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और जैसे अभी केतकी ने कहा कि आनंद मास्टर इन्होंने इस सारे कार्यक्रम का संगीत संयोजन किया है, तो आनंद का मैं धन्यवाद बिल्कुल नहीं दूंगा, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और मैं अभी जैसे केतकी ने कहा उसी को मैं बिल्कुल ममक कहूँगा कि नागपुर में इतने टैलेंटेड सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस की तो यानी इतनी भरमार है कि मुंबई से जो जब भी कोई आर्टिस्ट आता है, कोई भी सुरेश जी वाडकर जी रहे, अवधू, डू यू टेक एनी नेम, तो नागपुर में जब भी आते हैं या फिर सेंट्रल इंडिया में जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो म्यूजिशियंस का ग्रुप कभी साथ में नहीं आता, यहीं के म्यूजिशियंस होते हैं हमेशा, तो ये बहुत बड़ा एक सक्सेस है नागपुर का और नागपुर के म्यूजिशियंस का, और टैलेंट की तो खान है ही नागपुर, तो बड़ा मज़ा आएगा जैसा ऐसी उम्मीद है। तो ये थे हमारे साथ दोनों नागपुर से जुड़े हुए गायक और आज जो है ये अपने गानों से जो है बेसा पिपला वासियों को जो है मंत्रमुग्ध करने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिज आदेशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।